हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर की एक विषय क्रॉप इम्प्रूवमेंट फर्स्ट खरीफ क्रॉप एजी 502 का 7वां लेक्चर कराने वाला हूं। इसके पहले मैंने आप लोगों को 6 लेक्चर करा दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, इम्प्रूवमेंट ऑफ मूंग बीन। ठीक है, मूंग बीन मतलब होता है मूंग, तो हम लोग मूंग की दाल बोल सकते हैं या मूंग बोल सकते हैं। तो मूंग की खेती के बारे में पढ़ेंगे, मूंग के इम्प्रूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसका कॉमन नेम है मूंग, मूंग बीन, ग्रीन ग्राम, मतलब इसे कई नामों से जाना जाता है। मूंग के नाम से जाना जाता है, मूंग बीन के नाम से जाना जाता है और ग्रीन ग्राम के नाम से जाना जाता है। इसका बोटेनिकल नेम है विग्ना रेडियाटा। ठीक है, विग्ना रेडियाटा मूंग बीन का बोटेनिकल नेम है, जिसका बोटेनिकल मूंग का पहले बोटेनिकल नेम था फेजियोलस आयरस। ठीक है, फेजियोलस आरियस पहले बोटेनिकल नेम मूंग का था, फेजियोलस आरियस, जिसे बाद में विल्जेक ने बदलकर विग्ना रेडियाटा कर दिया था। ठीक है, तो देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट में इसको लिख लीजिएगा कि मूंग बीन का प्रारंभ में बोटेनिकल नेम फेजियोलस आरियस था, जिसे बाद में विल्जेक ने बदलकर विग्ना रेडियाटा कर दिया। ठीक है, तो मूंग बीन का बोटेनिकल नेम विग्ना रेडियाटा। फैमिली लिग्यूमिनेसी, इसकी फैमिली है लिग्यूमिनेसी, क्योंकि यह एक दलहनी फसल है तो यह एक लिग्यूमिनेसी फैमिली से आता है। सब फैमिली की बात करें उपजाति की, तो पैपुलियोनेसी उपजाति है इसकी। क्रोमोसोम नंबर 2 एंड नंबर 22, मतलब 22 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक बात होगी। इसकी ऑरिजिन है इंडिया, इसका ऑरिजिन इंडिया में है। ठीक है, तो हमने देखा मूंग का बोटेनिकल नेम होता है विग्ना रेडियाटा, जिसे प्रारंभ में फेजियोलस आयरस आरियस के नाम से भी जाना जाता था, बाद में इसे विल्जेक ने बदलकर विग्ना रेडियाटा किया था। फैमिली हमने देखा इसका लिग्यूमिनेसी, सब फैमिली देखा पेपिलियोनेसी, क्रोमोसोम नंबर 3 और 22। ये जो मूंग होता है, इसके पौधे की जो जड़ होती है वह काफी लंबी होती है, काफी गहरी तक जाती है, जिससे क्या करता है मिट्टी कणों को बांध कर रखता है, जिससे क्या होता है मृदा का अपरदन नहीं होता है। ठीक है, तो ये अभी एक नोट करके पॉइंट में लिखिएगा कि मूंग के पौधे की जड़ काफी गहरी अंदर तक जाती है, काफी लंबी होती है, जो मिट्टी के कणों को बांधने का काम करती है, जिससे मृदा का अपरदन नहीं होता है। इसका ऑरिजिन इंडिया होता है, मैंने बता दिया कि मूंग का ऑरिजिन इंडिया है पहले ही। प्रोजिनेटर की बात करें तो देखिए हमारा जो मूंग बीन है, ठीक, हमारा जो मूंग है यह इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, तो विग्ना रेडियाटा सबलोबाटा, विग्ना रेडियाटा सबलोबाटा इसका प्रोजिनेटर है। इसी से हम लोग जो खाने योग्य मूंग पाते हैं, इसी से इन सबकी उत्पत्ति हुई है। एक विल्ड स्पाइसेज है, जंगली प्रजाति है, विग्ना रेडियाटा सबलोबाटा। ठीक है, इसी से मूंग का खोज किया गया या इसी से मूंग की प्राप्ति हुई थी पहली बार, तो यही इसका प्रोजिनेटर है, पूर्वज है मूंग का। ठीक है, चलिए देखते हैं पोलिनेशन। तो इसमें सेल्फ पोलिनेशन होता है, मूंग में सेल्फ पोलिनेशन होता है। क्यों? क्योंकि जो मूंग होता है यह क्लिस्टोगैमी पाया जाता है इसमें। ठीक है, मतलब कहने का कि पुंकेसर और अंडव दोनों फूल की पंखुड़ियों में घिरे रहते हैं, इसलिए 100% सेल्फ पोलिनेशन होता है। चलिए देखते हैं, तो मूंग में सेल्फ पोलिनेशन होता है। मूंग में सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच फूल खिलते हैं और 11 बजे तक खुले रहते हैं, उसके बाद बंद हो जाते हैं। ठीक है, सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच खिलते हैं और 11 बजे तक खुले रहते हैं, उसके बाद बंद हो जाते हैं। मूंग के फूलों में क्रिस्टोगमी पाया जाता है, अर्थात पुंकेसर और अंडव, या स्त्री केसर भी बोल सकते हैं इसे, दोनों फूल की पंखुड़ियों में घिरे रहते हैं, इसलिए इसमें 100% सेल्फ पोलिनेशन होता है। तो ये इसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी जो हमने देख लिया। चलिए देखते हैं इसका ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव। ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव मतलब प्रजनन का क्या उद्देश्य, किस उद्देश्य से आप इसका प्रजनन करते हैं। तो पहला पॉइंट है हाई यील्ड, अधिक उपज। ठीक है, पहला हमारा उद्देश्य है कि अधिक उपज की दृष्टि से हम लोग इसका प्रजनन इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अधिक उपज प्राप्त हो। जैसे पहला पॉइंट है प्रति पौध फलियों की संख्या। ठीक है, तो हम लोग इसका प्रजनन इसलिए करते हैं क्योंकि इसके प्रति पौधे फली की जो संख्या है वो अधिक हो। अगला पॉइंट है प्रति फली बीज की संख्या। पहली पॉइंट हम लोगों ने देखा कि प्रति पौधे में फली की संख्या अधिक हो, दूसरा पॉइंट है कि प्रति फली में बीज की संख्या अधिक होनी चाहिए। ठीक है, प्रति फली में बीज की संख्या अधिक होनी चाहिए। अगला पॉइंट है फली का आकार, फली का आकार बड़ा होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक फली है तो उसमें 8 दाने लग रहे हैं, किसके, मूंग के, तो हमें ऐसी फली प्रजनन के द्वारा हम लोग ऐसी फली वाला वैरायटी तैयार करेंगे जिसमें 10 दाने लगते हो। ठीक है, तो वही है हाई यील्डिंग। ठीक है, तो प्रति पौध फलियों की संख्या में अधिकता के लिए, प्रति फली बीज की संख्या की अधिकता के लिए, प्रति फली या फली के आकार के लिए, ठीक है, और बीज के आकार के लिए। तो यह पहला पॉइंट था कि अधिक उपज के लिए हम लोग प्रजनन करेंगे। दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट विभिन्न परिपक्वता अवधि पर।
विभिन्न परिपक्वता अवधि पर, मतलब कहने का कि विभिन्न अवधि पर जब परिपक्व हो उसके लिए हम लोग इसकी एक वैरायटी तैयार करेंगे जो विभिन्न अवधि पर क्या हो, उपयुक्त हो। जैसे शुष्क खेती के लिए, शुष्क खेती मतलब समझते हैं आप लोग, ऐसी खेती जहां पर वर्षा आधार वर्षा के रूप में या वर्षा के ऊपर आधारित कृषि की जाती हो उसे बोलता है शुष्क खेती। ठीक है, तो शुष्क खेती के लिए मध्यम परिपक्वता अवधि और अधिक उपज देने वाली किस्मों का विकास करना। ठीक है, शुष्क खेती के लिए मध्यम परिपक्वता अवधि और अधिक उपज देने वाली किस्मों का विकास करना। पहले जान लीजिए कि शुष्क खेती, देखिए रेनफेड एग्रीकल्चर होता है वर्षा आधारित भूमि। वर्षा आधारित भूमि तीन प्रकार की होती है, यदि आप लोग रेनफेड एग्रीकल्चर पढ़े होंगे, मैंने पढ़ाया तो आप लोग पता होगा। तो वर्षा आधारित खेती होती है तीन प्रकार की होती है, जिसमें पहला ड्राई फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग मतलब शुष्क खेती। शुष्क खेती वह खेती होती है जहां पर वार्षिक वर्षा 750 mm से कम होती है। ठीक है, 750 mm से कम होती है, तो याद रखिएगा। तो शुष्क खेती के लिए मध्यम परिपक्वता वाली, मध्यम परिपक्वता वाली मतलब मीडियम मैच्योरिटी वाली, मतलब न जल्दी परिपक्व हो न लेट से परिपक्व हो, मध्यम मतलब सामान्य टाइम में, मतलब सामान्य मौसम में परिपक्वता अवधि और अधिक उपज देने वाली किस्म का विकास करना, पहला उद्देश्य यही है। दूसरा उद्देश्य है सिंचित क्षेत्र के लिए, जहां पर सिंचित क्षेत्र है, हमने देखा शुष्क क्षेत्र के लिए, अब देख रहे हैं सिंचित क्षेत्र के लिए, वह क्षेत्र जहां पर हम लोग सिंचाई के द्वारा खेती करते हैं। ठीक है, तो उस क्षेत्र में कम परिपक्वता अवधि, कम परिपक्वता अधिक मतलब अर्ली मेच्योरिटी वाली वैरायटी को तैयार करेंगे जो अधिक उपज देने वाली हो। ठीक है, तो एक एक पॉइंट समझते चलिएगा। पहला हम लोगों ने देखा कि शुष्क खेती के लिए हम लोग ऐसी वैरायटी तैयार करेंगे जो मध्यम परिपक्वता वाली हो और अधिक उपज वाली हो। हमने दूसरा पॉइंट देखा कि सिंचित क्षेत्रों के लिए हम लोग ऐसी वैरायटी तैयार करेंगे जो कम परिपक्वता अवधि वाली और अधिक उपज देने वाली हो। ठीक है, अगला पॉइंट है जल भराव वाले क्षेत्रों के कम परिपक्वता अवधि और अधिक उपज देने वाले किस्मों का विकास करना। तो जहां पर जल भरा वाला क्षेत्र है, वाटर लैंड कंडीशन जहां पर होता है, जहां पर जल भर जाता है, उस क्षेत्र में हम लोग उस क्षेत्र के लिए ऐसी वैरायटी तैयार करेंगे जो क्या हो, अधिक उपज देने वाली हो और कम परिपक्वता अवधि वाली हो, अर्ली मेच्योरिटी वाली हो, मतलब जल्दी से पक जाए। तो वहां पर क्या होगा, हम लोग जल भरने से पहले अपनी फसल को काट लेंगे। तो हम लोग ने देखा, क्या देखा हम लोगों ने, विभिन्न परिपक्वता अवधि पर विभिन्न प्रकार के वैरायटी को तैयार करना, जिसमें हम लोगों ने देखा कि शुष्क खेती के लिए हम लोग एक मध्यम परिपक्वता अवधि वाली वैरायटी तैयार करेंगे जो अधिक उपज देने वाली हो। फिर हमने देखा सिंचित क्षेत्रों के लिए कम परिपक्वता अवधि वाली ऐसी वैरायटी तैयार करेंगे जो अधिक उपज देने वाली हो। फिर हम लोगों ने देखा कि जल भरा वाले क्षेत्रों के लिए हम लोग ऐसी वैरायटी तैयार करेंगे जो कम परिपक्वता अवधि वाली हो और अधिक उपज देने वाली हो। अगला पॉइंट देखते हैं, ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। ठीक है, ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, कहने का मतलब यह है कि रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए प्रजनन। तो मूंग की फसल में कई प्रकार के रोग लग सकते हैं, मूंग का जो हमारा फसल होता है उसमें कई प्रकार के रोग लग सकते हैं जिससे आर्थिक नुकसान हो सकता है। इन रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना, प्रतिरोधक क्षमता मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आपको बुखार हो जा रहा है, ठीक है, तो हम एंटीबॉडी लेते हैं, एंटीबॉडी हम लोग को दवाई में एंटीबायोटिक दवाई मिलता है। ठीक है, उस दवा से क्या होता है, हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है जो हमें क्या करता है, बुखार से लड़ने में मदद करता है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम लोग पौधों के अंदर ऐसी प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर देंगे जिससे रोग उसके अंदर न घुस पाए। तो हम लोग ऐसी वैरायटी तैयार करेंगे जो रोग के प्रति प्रतिरोधी हो, रोग के खिलाफ हो, जिसके अंदर रोग प्रवेश न कर पाए। ठीक है, तो ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, जिसमें मूंग बीन एलो मोजेक वायरस लगता है, मूंग बीन एलो मोजेक वायरस, मोजेक मोटल वायरस, लीफ क्रिंकल वायरस, लीफ कर्ल वायरस, पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है, एंथ्राक्नोज और पाउडरी मिली आदि डिजीज लगते हैं। तो और भी डिजीज लगते हैं, मैंने कुछ मुख्य मुख्य डिजीज को लिया है, जिसमें सबसे ज्यादा खतरा करता है मूंग बीन एलो मोजेक वायरस और पाउडरी मिल्ड्यू। ठीक है, सबसे ज्यादा खतरा यही करते हैं दोनों, ठीक है, मूंग के लिए। तो हम लोग इसका उद्देश्य देखें कि हम लोग इसके लिए प्रजनन करेंगे, प्रजनन इसलिए करेंगे, प्रजनन का उद्देश्य यह है कि हम लोग ऐसी वैरायटी तैयार कर दें जिसके अंदर क्या हो कि रोग अपना प्रवेश न कर सके, रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर दें। अगला पॉइंट है ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस। तो जैसा हम लोगों ने देखा डिजीज रेजिस्टेंस का मतलब यह कि हम लोग रोग को न घुसने के लिए प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करेंगे, उसी प्रकार हम लोग ऐसी प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्म को तैयार करेंगे जिसके अंदर कीट का प्रकोप न हो पाए। ठीक है, जिसके अंदर कीटों का प्रकोप न हो पाए। मूंग की फसल में कई प्रकार के कीट लग सकते हैं जिससे आर्थिक नुकसान हो सकता है। इन कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए हम लोग प्रजनन करते हैं, जिसमें व्हाइट फ्लाई, लीफ ईटिंग कैटरपिलर, हेयरी कैटरपिलर, सेमी लूपर और एफिड पॉड बोरर जैसिड जैसे इंसेक्ट लगते हैं। तो इन सभी इंसेक्ट से बचने के लिए हम लोग ऐसी प्रतिरोधक क्षमता वाली वैरायटी तैयार करेंगे जो इनके प्रति प्रतिरोधी हो। ठीक है, समझिएगा, एक एक पॉइंट देखिए, पूरे YouTube पर आप लोग कहीं नहीं मिलेगा, मैं बार बार बोलता हूँ,
इस सब्जेक्ट का आप लोगों को पूरे यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने देखा, अभी हमने 4 पॉइंट देखा कि हम लोग इसका प्रजनन इस उद्देश्य से करेंगे कि हमें अधिक उपज प्राप्त हो। दूसरा हमने देखा कि डिफरेंट मेच्योरिटी ड्यूरेशन, मतलब विभिन्न परिपक्वता अवधि पर हमें फसल प्राप्त हो, इसके लिए हम लोग इसका प्रजनन करेंगे या प्रजनन के द्वारा ऐसी वैरायटी तैयार करेंगे। तीसरा हमने देखा कि ब्रीडिंग बार डिजीज रेजिस्टेंस, ऐसी वैरायटी तैयार करेंगे जो रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता वाला हो। फिर हमने देखा कि ऐसी वैरायटी तैयार करेंगे जो कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता वाला हो। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है बेटर क्वालिटी। बेटर क्वालिटी मतलब अच्छी गुणवत्ता युक्त हमें क्या प्राप्त हो, हमें अनाज प्राप्त हो, ग्रेन प्राप्त हो, ठीक है, उसके लिए हम लोग प्रजनन करेंगे। ठीक है, मूंग के बीज में 25% प्रोटीन पाया जाता है जो कि विल्ड स्पाइसेस में 26 से 27% प्रोटीन पाया जाता है। तो हम लोग प्रजनन के द्वारा ऐसी वैरायटी तैयार करेंगे जिसमें 25% से ज्यादा का प्रोटीन पाया जाए। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है मूंग की पाचन शक्ति को बढ़ाना। देखिए वैसे ही मूंग जो है सभी दलहनी फसलों में ऐसी फसल है जो जिसकी पाचन शक्ति सबसे ज्यादा होती है, मतलब मूंग की फसल जो होती है, मूंग जो होता है सबसे ज्यादा पचने वाला फसल होता है, सबसे ज्यादा तेजी से पचने वाला फसल होता है। ठीक है, दलहनी फसलों की बात मैं कर रहा हूँ, दलहनी फसलों में सबसे ज्यादा तेजी से पचने वाला जो फसल होता है वह होता है मूंग। तो याद रखिएगा, तो मूंग की पाचन शक्ति को और बढ़ाने के लिए हम लोग प्रजनन करेंगे। अगला पॉइंट है उर्द से, उर्द मतलब उड़द। उर्द बीन मैंने आप लोग पढ़ाया था पीछे, ब्लैक ग्राम जिसे बोला था मैंने, उर्द बीन या ब्लैक ग्राम या उर्द। तो उर्द से मूंग में उच्च मेथियोनिक सामग्री का स्थानांतरण करने के लिए हम लोग प्रजनन करेंगे। तो यही प्रजनन का उद्देश्य है। अगला पॉइंट है उच्च प्रकाश संश्लेषक क्षमता के लिए। ठीक है, उच्च प्रकाश संश्लेषक क्षमता के लिए मतलब कि हमारा जो पौधा है उसके अंदर उच्च प्रकाश संश्लेषण को छाने की क्षमता रहे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रजनन करेंगे ब्रीडिंग के माध्यम से। ठीक है, तो यही ब्रीडिंग का उद्देश्य था, मैंने आप लोगों को सही पॉइंट बता दिया। उम्मीद करते हैं ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे ब्रीडिंग मेथड। तो ब्रीडिंग मेथड में ज्यादा कुछ नहीं है, देखिए मैंने पीछे आप लोगों को सब कुछ बताया, इंट्रोडक्शन बता दिया है। ठीक है, प्लांट इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन, मास सिलेक्शन, रिकरेंट सिलेक्शन, ठीक है, सब कुछ बताया हुआ है। तो कुछ 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 पॉइंट ऐसे जिनमें सिर्फ मैं हेडिंग डलवा दूंगा, जैसे इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन में मैं सिर्फ प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है ये सब नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट हेडिंग डलवा दूंगा, एक एक वैरायटी हो सकता है कि बता दूं। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए कि प्लांट सॉरी मास सिलेक्शन है तो मास सिलेक्शन में मैं कुछ पॉइंट बता दूंगा या तो नहीं बताऊंगा, हेडिंग लिख दूंगा। तो बार बार देखिए आप लोगों को बताया नहीं जाएगा कि मास सिलेक्शन क्या होता है, प्योर लाइन सिलेक्शन क्या होता है। आप लोग पीछे जाकर देख सकते हैं कि मास सिलेक्शन क्या होता है, प्योर लाइन सिलेक्शन क्या होता है, रिकरेंट सिलेक्शन क्या होता है, प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है, ब्रीडिंग क्या होता है, हेटरोसिस ब्रीडिंग क्या होता है। तो चलिए देखते हैं, प्योर लाइन सिलेक्शन पहला पॉइंट है। तो लोकल वैरायटी में प्योर लाइन सिलेक्शन द्वारा मूंग की कई किस्में विकसित की गई है। ठीक है, प्योर लाइन सिलेक्शन में प्योर लाइन सिलेक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि लोकल वैरायटी जो थी हमारे यहाँ की लोकल वैरायटी में, उन्हें प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा मूंग की कई किस्में विकसित की गई जिसमें टाइप 1, BR2, अमृत, कृष्णा 11, RS4, CO123, CO123, पन्ना, G65, गुजरात 1 और 2, PS16। तो ये सब वैरायटी जो है ये सब प्योर लाइन सिलेक्शन द्वारा तैयार की गई है। अगला पॉइंट देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन द्वारा कई वैरायटी तैयार की गई जिसमें से एक वैरायटी मैंने लिया वर्धन। तो यह जो वर्धन वैरायटी है यह प्लांट इंट्रोडक्शन के द्वारा तैयार किया गया है। अगला पॉइंट है म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो मूंग की फसल में विविधता को बढ़ाने के लिए भी इसमें म्यूटेशन ब्रीडिंग का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक और भौतिक दोनों प्रकार के म्यूटेशन इसमें उपयोगी होते हैं। म्यूटेशन ब्रीडिंग द्वारा जो भी विकसित की गई किस्में उनमें से है पूसा विशाल, पूसा 95-31, ML818, PDM54। तो ये सब म्यूटेशन ब्रीडिंग के द्वारा प्राप्त की गई किस्में हैं। और देखिए आप लोग इसमें सिंथेटिक वैरायटी डाल सकते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग यदि पीछे का लेक्चर देखेंगे तो आप लोग को आगे का लेक्चर अपने आप समझ में आने लगेगा। तो हम इसके बाद अब कुछ ब्रीडिंग मेथड में या ब्रीडिंग प्रोसीजर में या ब्रीडिंग अप्रोचेस में कुछ पॉइंट नहीं बताएंगे। यही मैं 3 पॉइंट आप लोग लिखवाया हूँ, इतना आप लोग यदि एग्जाम में लिखेंगे तो पूरा नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर ये देखते हैं इम्प्रूव्ड वैरायटी। इम्प्रूव्ड वैरायटी मतलब उन्नतशील प्रजातियां। तो नरेंद्र मूंग 1, पंत मूंग 3, PDM 139 जिसे सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, PDM 11, MUM 2, ML 337, MH 421, SML 832 आदि। मतलब ये जो वैरायटियां हैं सब इम्प्रूव्ड वैरायटियां हैं, और भी वैरायटियां हैं लेकिन मैं सब वैरायटी तो ले नहीं सकता हूँ। तो यह लेक्चर जो आप लोगों का यह खत्म हो चुका, इसका थोड़ा सा मैं बेसिक आप लोगों को फिर से बताऊंगा, क्योंकि देखिए बेस वही होता है। बेस यदि आप लोग पता रहेगा तो ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव में कुछ पॉइंट ऐसे जो सभी में है, ब्रीडिंग मेथड में कुछ पॉइंट ऐसे जो सभी में है, तो इसीलिए हम लोग जो है उसका
शुरू का जो है बेसिक बात है उसको हम लोग फिर से देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम इसका है मूंग, मूंग बीन, ग्रीन ग्राम। हम लोग देखेंगे बोटेनिकल नेम, बोटेनिकल नेम इसका विग्ना रेडियाटा, जिसे प्रारंभ में फेजियो फेजियोलस आरियस के नाम से जाना जाता था, बाद में विलियक ने बदलकर इसे विग्ना रेडियाटा कर दिया। इसकी फैमिली है लेग्यूमिनेसी, सब फैमिली है पेपिडोनेसी। इसका क्रोमोसोम नंबर 2 नंबर 22। इसका ओरिजिन इंडिया, इसका प्रोजिनेटर की बात करें पूर्वज की, इसके पूर्वज है विग्ना रेडियाटा सबलोबाटा, ठीक है। और यह जो मूंग होता है इसकी, या इसके पौधे की जो जड़ होती है वह काफी अंदर तक जाती है, गहरी अंदर तक जाती है, जो मृदा के कणों को बांध कर रखती है, जिससे मृदा का अपरदन नहीं होता है, ठीक है। तो यह लेक्चर जो है आप लोगों का खत्म हो चुका, 7वां लेक्चर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।